अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल व करम से बखैरियत व आफियत होंगे। आइए चंद अहम खबरें समाअत फरमाएं। दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में आप और कांग्रेस का इतिहाद। नई दिल्ली, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में आइंदा लोकसभा इंतखाबात एक साथ लड़ने की तैयारी कर रही हैं और दोनों पार्टियां जल्द ही सीटों की तकसीम के हवाले से ऐलान कर सकती हैं। ज़राए ने जुमेरात को ये इत्तला दी। ज़राए ने बताया कि दिल्ली और कुछ दीगर रियासतों में सीटों की तकसीम के हवाले से दोनों पार्टियों के दरमियान बातचीत आखिरी मराहल में है और दोनों पार्टियां इस सिलसिले में जल्द ही कोई ऐलान कर सकती हैं। दोनों जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर इलेक्शन लड़ेगी। ज़राए ने बताया कि आप जनूबी दिल्ली, मगरबी दिल्ली, शुमाल मगरबी दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीटों से उम्मीदवार खड़ा करेगी, जबकि कांग्रेस चांदनी चौक और मशरकी दिल्ली और शुमाली मशरकी दिल्ली की सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। कौमी राजधानी में लोकसभा की 7 सीटें हैं। बीजेपी ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस ने आपको हरियाणा में 1 और गुजरात में 2 सीटें देने का फ़ैसला किया है। आपने चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस को दे दी। गोवा में आपने जनूबी गोवा की सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था, लेकिन अब आप ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ेगी। कांग्रेस हरियाणा की एक सीट आपको देगी। दूसरी जानिब पंजाब में कांग्रेस और आपने अलग अलग इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में आप गुरुग्राम या फरीदाबाद सीटों में से किसी एक से इलेक्शन लड़ सकती है, जबकि गुजरात में भरूच और भावनगर लोकसभा सीटें आपके पास जा सकती हैं। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم। رسول الله صلى الله عليه وسلم ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे अमवाल को नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। सही मुस्लिम। अब आइए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अख़वाले ज़रीन सुने। गुनाह पर नदामत गुनाह को मिटा देती है, नेकी पर गुरूर नेकी को तबाह कर देता है। बखील से बचो क्योंकि वो तुम्हारी हाजतों में रुकावट पैदा करता है। गुस्से को पी जाओ, बदला लेने की कोशिश ना करो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता करें। खुदा हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।